गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गांवों की ओर प्रकृति की ओर में आज हम आप सब लोगों को लिए चलते हैं हमारे परंपरागत ऐसी कलाएं जो विलुप्त होती जा रही हैं, ऐसी परंपरागत जो हमारी कलाएं हैं उसके लिए हमारे साथ आज गांववाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं जो हमारी जो कानबेलिया जो बस्ती है। तो आज हम परंपरागत सारंगी वादक जो रामफूल जी हैं वो हमारे साथ हमारे गांववाणी स्टूडियो में हैं। उनके द्वारा किस तरह से सारंगी से ये अपनी जो गायन कला है उसको ट्रेडिशनल जो इन्होंने अपने पुरखों से सीखी है और उसे ये परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज इनकी जो कला है जो सारंगी वादन है उसके लिए अगर हम बात करें कि हमारे आज आसपास के क्षेत्र में इनकी कला की कोई पहचान नहीं है लेकिन आज इनको इस कला के थ्रू लोगों के सामने अपना गायन प्रस्तुत करके या अपना आजीविका का निर्वहन कर रहे हैं। आज हम इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से इन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं, ये अपनी कला को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इनकी पहचान एक मात्र एक गायक कलाकार के रूप में या वादक के रूप में है लेकिन अगर इनकी कला को एक पहचान दिलाई जाए, इन्हें एक स्टेज प्रदान किया जाए तो ये हमारे आसपास के जो हमारे क्षेत्र हैं उनके लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे, साथ में इनकी कला को पहचान मिलेगी। तो चलिए हम आज इनके संगीत को आप सब लोगों के साथ साझा करते हैं और आप इस इनके संगीत के माध्यम से आप देखेंगे कि कितनी सुरेली तरीके से ये अपना वादन करते हैं। तो चलिए हम इनका संगीत सुनते हैं। धन धन रे कुमारी लगाओ लगा
तारा मरिया करमा में अजय
सारंगी वादन का ये कार्यक्रम आपने देखा और मनमोहक लगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने गाँववाणी स्टूडियो में आकर अपनी इस कला का प्रदर्शन किया और इतना सुनहरा गाना आप लोगों ने हमें सुनाया। हम फिर अगले हफ्ता आप लोगों को एक इसी प्रकार की एक नई गांव की, जिस तरह से हमारे गाँववाणी स्टूडियो का नाम रखा गया है गाँववाणी, गाँव की ऐसी आवाज़ जिसे कोई पहचान नहीं मिली, कोई मंच नहीं मिला, उसे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप लोगों के साथ साझा करने का कार्यक्रम करेंगे। अगले रविवार फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए विदा चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।